आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का इम्पोर्टेंट सेट पेपर पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में आप देखिए इन्हीं की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। पिछले साल मैंने इनको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेट पेपर बताए थे और आपके सामने रिजल्ट हैं, तो आप भी इन्हीं सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करो। सेट ए में बता चुकी हूँ, सेट बी देख रहे हैं हम, इसके बाद सेट सी रहेगा और सेट डी रहेगा। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं कि बालकाय इति रूपम भवति कौन से चतुर्थी, राम शब्द से पश्चिमी विभक्ति रूपम किम, रमात नद्या इति रूपम भवति तृतीय विभक्ति, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, फलस्य मनुया रूपम भवति प्रथमा अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति प्रा। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेस अस्ति गमिस यामी अभवत इतस्मिन् रूपे डेडेडेस लकार अस्ति लड लोट लकार इति डेडेडेस इति पदे अस्ति, इसमें आएगा पठतु भव अभवत इति पदे डेडेडेस काला भवति भूत प्रहार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति, प्रहार में उपसर्ग क्या है प्रा, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेडेस अस्ति प्रति एक। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें कि जोड़ी है दो इधर है और दो उधर है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ये बाकी की ये रही, यहाँ से लें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर खिन बाल अन्योपदियो विशेषणम पदम किम, खिन्न धूर धनुर्धुर अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति अर्जुन संस्कृत सरस्वती तस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति वाणी इंद्र इति पदस्य पर्यायपदम किम, शक्र शीघ्र इतस्य विलोम पदम अस्ति नंदम मंदन वृद्धि तस्य विलोम पदम अस्ति युवा। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 शुद्ध वाक्यम समक्ष ना आम अशुद्ध वाक्य समक्ष ना, तो जो शुद्ध वाक्य है उसके समक्ष हमें आम लिखना है उसके सामने, और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें ना लिखना है। मनोरथ इति पदे विसर्ग संधि अस्ति आम, सज्जन इति पदे व्यंजन संधि भवति आम, उमा धन हिस्सा इति मिलत्वा उमेश भवति आम, पंचा पंच पात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति आम। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं, तो आप अच्छे से इनका भी स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 अधोलिखितानु वाक्यम वाच्य परिवर्तन कुर्वत को ही दो, वाच्य परिवर्तन करने हैं बालक विद्यालय गच्छन्ति, कर्मवाच्य रामेण जलम पियते, कर्तुवाच्य सह हस्ति भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकम विवाहम सुवा पाठ्यपुस्तक 1 सुभाषतानी श्लोक लिखत, अधोलिखित अशुद्ध वाक्य अशुद्ध कारक वाक्यम शुद्धिकरण्य, श्री गणेश नमः अहम सत्यम, इसके बाद में वसति महेश फलाय खादंती। ये हमारे रिक्त स्थान है, यहाँ पे मैंने नंबर डाल लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में कथा क्रम अनुसार आपको क्रम संयोजन कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से अपठित जो गद्यांश है पद्यांश और गद्यांश ये शुरू होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है प्रश्न है ये आपको इसी में से करने हैं। देखिए आधे से अधिक नंबर तो आपको गद्यांश और पद्यांश में से ही आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दिए जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आपको
पास होना बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी आप इसमें फेल नहीं होंगे, भले बिल्कुल आपने कुछ भी याद नहीं करा, क्योंकि अपठित गद्यांश इतने ही दिए जाते हैं कि बच्चा वैसे ही इसमें पास हो जाता है। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करें और टॉपर बने। यह क्वेश्चन नंबर देखिए 21, 18 से लगा कर 21 तक आपके गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे हैं। तो देखिए 18, 19, 20, 21 यानी कि 4 अपठित गद्यांश पद्यांश आपको दिए जाएंगे। 5-5 नंबर के जोड़ लीजिएगा कितने नंबर आएंगे, आप वैसे ही पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 22 और 23 ये में इसमें ये कंप्लीट करें आप, आपको इसमें भी 100% नंबर आएंगे। संस्कृत भाषा का निबंध कर लीजिए, 100% आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा और यही पेपर में आएगा। तो